फॉरेंसिक आई सलमान हाशमी टुडे, आपको पता है जैसे कि हम इंटरनेशनल फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं, फ्रॉड ऑब्जर्वर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आज हम एक आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टेट एजेंसी है बैरिया टाउन की, और वो बैरिया के नाम पे कैसा फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सर अपना पूरा नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है औरंगज़ेब मोहम्मद। मैं 2014 से जो है बैरिया न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एंड बिल्डर जो पे 7 शाहीन चौक में है, उसमें मुदस्सर मुबशर नामी शख्स ने मुझे जो है ना ये मुबशर नामी शख्स ने मुझे 3 फाइलों का जांचा दे के आज तक जो है ना मेरी पेमेंट वापस नहीं की। कितने पैसे ले लिए? पैसे उन्होंने मेरे से लिए, एक फाइल्स के जो है 6,20,000 लिए 2 फाइलों के। ठीक है, वो कराची की बैरिया की 2 फाइल थी, 6,20,000 उन्होंने कैश लिया, उनकी रिसीविंग मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और इसके बाद टोटल आपको कितना लॉस हुआ? टोटल उस वक्त अगर मेरी इन्वेस्टमेंट आज होती तो एटलीस्ट मुझे 20-25 लाख रुपया उसमें बेनिफिट। कैश आपने कितना दिया? मैंने इनको कैश दिया है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? 10 लाख। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसके अलावा मेरा 3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया इनके पास आना जाना और मेरे ये जो अच्छा ये अब ये जो है ना न्यूयॉर्क स्टेट, ये बहुत बड़ा नाम है बैरिया टाउन का जो डीलें करते हैं बड़ी बड़ी, इन्होंने फ्रॉड किया इनके साथ, कराची की फाइलें दिखा के इनसे पैसे ले लिए 10 लाख रुपया, और जब वो फाइलें सर्टिफिकेट के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जब अप्लाई किया तो बैरिया ने उनको ब्लॉक किया हुआ था, उसमें कोई मसला था। तो अब जब ये आप लेने जा रहे हैं अपने पैसे तो वो क्या कहते हैं आप? अब वो उनके पास हम पैसे लेने के लिए जाते हैं तो सलमान साहब वो जो है हमें जस्ट टाइम पे टाइम देते रहे कि आपका जो है ना हम NDC क्लियर करके आपके नाम पे सारा कुछ क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है ना ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपको फाइल। अब हमारी रिक्वेस्ट है, आप ब्लॉक, हमारी रिक्वेस्ट है मलिक रियाज साहब से, बैरिया टाउन से हमारी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि सर देखें, क्योंकि बैरिया टाउन एक नंबर टाउन है, मलिक रियाज इज़ अ गुड मैन, ठीक है, वो बहुत अच्छे आदमी है। जो प्रॉब्लम है ये स्टेट एजेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे स्टेट एजेंट्स हैं ये फ्रॉड करते हैं बैरिया के नाम पे और फिर आगे लोगों को जलील करते हैं। तो सर आप अभी क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेमेंट जो है वो वापस करें, और मैं जो है ना इतने अरसा जो ख्वार हुआ हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं मैंने की, और मैंने अपने बच्चों के लिए कोई लैंड लेनी थी उसमें भी मैं उसके बाद मैं नहीं ले सका, और मेरे आज इतने हालात नहीं है मुझे उनके पैसे अपने छोड़ सकूँ उनको। तो सर न्यूयॉर्क की ये जो फ्रॉडी हैं, और फ्रॉडियों के पास हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई तुमने फ्रॉड करना है या काम करना है, अगर फ्रॉड करना है तो हम तुम्हें इधर से निकाल देंगे पकड़ के, कान पकड़ के, ठीक है। इनमें मुबशर नाम का एक आदमी है और मुबीन काशिफ हिजर शाह, और इसके डिफरेंट जो लुटेरे वहाँ पे बैठाए हुए हैं दफ्तर में, जब भी जाते बदमाशी करते हैं दफ्तर में जो है ना मर्सना धक्के मार के कहते हैं जो करना है कर लो, हम देखते हैं कौन आपको पैसे जो है ना लेके दे सकता है। और मैंने बैरिया में ऑलरेडी अपने नाम की कराची बैरिया स्टेट में मैंने अपने नाम की इन फाइलों की रिक्वेस्टें भी भेजी हुई है कराची हेड ऑफिस को कि सर ये मेरी फाइलें हैं इनको ब्लॉक क्लियर करें और मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करें। तो हमारी बैरिया टाउन से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इनकी हेल्प करें, वी लव बैरिया एंड वी हमारे दिल से हार्ट से आवाज़ निकलती है आप लोगों के लिए, क्योंकि मलिक रियाज किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, ये बात गारंटी है। yes. ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ताला सर हम वर्क करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम फिर आपके लिए कोई वर्क करके तो सोल्यूशन रिटेलिएशन निकाल। फोरेंसिक आई के लिए क्या कहेंगे आप? वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा चैनल है, इसमें जो है ना सलमान साहब की रिकॉर्डिंग्स पहले भी हमने इंटरनेशनल में UK में भी इनकी हमने स्टडी की है, जो न्यूज़ बहुत अच्छे जो है ना इन्होंने रिपोर्टिंग करके UK की फैमिलीज को बड़ा लाइक करती है ये न्यूज़, और इनकी न्यूज़पेपर भी लाइक करते हैं, तो बड़े अच्छे इंसान हैं, और मैं फीडबैक भी इनका बहुत अच्छा आ रहा है UK से, और यहाँ पाकिस्तान में भी ऑलरेडी अच्छे इन्वेस्टर लोग इनको बेस्ट जानते हैं। पाकिस्तान में रिक्वेस्ट है हमारी लोगों से कि भाई ये कंजरपुना छोड़ दो, बेगैरती छोड़ दो, फ्रॉड छोड़ दो, इंसान बनो। वो जो काफर लोग हैं जो ना नमाज़ पढ़ रहे हैं ना कुरान पढ़ रहे हैं वो एक नंबर लोग हैं, लेकिन यहाँ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, हलाल भी खा रहे हैं, फिर भी हर रोज़ फ्रॉड। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, हम इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आएँ हमारी मदद करें, और हम ये जितना पाकिस्तान में फ्रॉड है
ये लोगों के ब्लड में से निकालेंगे इस फ्लॉड को सारा, और इस कौम को एक नंबर कौम बनाएंगे पूरी दुनिया में। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू।